गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू डूइंग वेल। देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो चलिए कुछ बेसिक है मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा यहाँ से आप लोग, देखिए हमारे पास क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल में। ठीक है, देखिएगा आप लोग यहाँ से, देखिए मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। चलिएगा, देखिए देखिए यहाँ पे आप एंगल देख पा रही हो 90 का एग्जिस्ट करता है। ठीक है, दैट्स। और ये क्या करना है, यहाँ से स्टूडेंट इसको थीटा मानते हैं। थीटा क्या होता है, 0 to 90 तक रिमूव होता है, 0 to 90 तक। ओके, बट मे भी क्या होता है, कुछ कंडीशन में 90 अप्लाई नहीं होता है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो आपके सामने दिख रही होगी, आपको येलो कलर के जो टेबल में है, ये हमें लर्न करनी है। ठीक है, मेथड आप जैसे भी आप इसको रिटेन कर सकते हो, अदरवाइज इसका मेथड है, देखिएगा आप जो वैल्यू 0 डिग्री की है साइन में, वो वैल्यू आपको 90 डिग्री मिलेगी कोस में। ठीक है, आपको इस तरीके से याद करना है। अगर अपन साइन 30 की बात करेंगे तो सेम वैल्यू हो जाएगी किसकी, कोस 60 की। ठीक है, देख पा रहे हो आप अच्छे से। तो इस तरीके से हमें टेबल याद करनी है, टेबल को लर्न करना है, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू सॉल्व योर क्वेश्चन विच डिपेंड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू। सो With this table, we are solve only one question that you are watching on your screen. So, that is our first question. Find the value of the following. आपको value निकालने 2 sin 45 and into cos 45, means आपको sin 45 and cos 45 की value का यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हो यहाँ से, ठीक है, देखिए यहाँ से आप देखिएगा √2 means यहाँ पे हो जाएगा, मैं इसको डायरेक्टली ऐसे भी सकता हूँ, 1/√2। ओके स्टूडेंट, ठीक है, और देखिए इसमें शायद टेबल में क्या है, वैल्यू सोल्व नहीं है, तो जो मैं आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगा उसमें आपको टेबल कम्प्लीटली सोल्व मिलेगी। देखिएगा कैसे ये कैसे हुआ है, आप देखिए यहाँ से, देखिए लिखा है 2/√2, ऐसा ही है, सॉरी √2/2 है। ठीक है, ऐसे नहीं है, √2/2। ओके, अब देखिए यहाँ से इसको अपन कैंसिल आउट करके 1/√2 लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए PDF में जो मैं आपको टेबल दूंगा, आप उसको अपनी कॉपी में राइट कीजिएगा और लर्न कीजिएगा। तो देखिए sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, ध्यान कीजिएगा जो फैक्टर होते हैं sin cos tan cot sec cos sec में 45 की जो वैल्यू होती है, मीन्स sin और cos की 45 की वैल्यू सेम रहेगी, tan और cot की 45 की वैल्यू सेम रहेगी, एज वेल एज sec एंड cosec हैव ऑल्सो सेम वैल्यू एट 45 डिग्री। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 into 1/√2 1/√2, देखिए √2 को अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं √2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, देन वी गोट 1। तो इस प्रकार से क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ, होमवर्क के लिए आप इनको ट्राई कीजिएगा एंड प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।